इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी नंबर एडिशन, बाइनरी नंबर का जोड़ना। तो आइए सीखते हैं किस तरीके से हम बाइनरी नंबर्स को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बाइनरी में केवल दो नंबर होते हैं, 0, 1, और इनका बेस होता है 2। ऑलवेज रिमेंबर, इसमें केवल दो ही नंबर होते हैं, और जब इनकी जोड़ने की बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा ये 0 + 0 को जब ऐड करते हैं सेम तो 0 ही आता है, 0 + 1 ऐड करते हैं तब यहाँ पर 1 आता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 1 + 1 बनता है तब यहाँ पर दो तो नंबर ही नहीं होता, क्योंकि इसमें नंबर 0 और 1 होते हैं तो दो तो आ ही नहीं सकता है। उस सिचुएशन में यहाँ पर लिखते हैं 1 0। ये 1 0 क्यों आया है, इसका एक लॉजिक है। जैसा कि आपने जानते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में हम जानते हैं 3 + 4 डेसिमल नंबर में कितना हो जाएगा, ये 7, क्योंकि 7 नंबर वहाँ पर होता है। उसके बाद में बात करते हैं 5 + 4, आप देख सकते हैं ये नंबर भी वहाँ पर होता है, लेकिन जैसे ही हम लिखते हैं 5 + 5, अब यहाँ पर ऐसा कोई नंबर डेसिमल नंबर में नहीं होता क्योंकि 0 से 1 तक ही था, तब यहाँ पर आता है ये 1 0। यहाँ पर 0 हो गया नंबर, 1 हो गया कैरी। तो जैसे ही नंबर सिस्टम ख़त्म होता है तब उसके बाद में कैरी आता है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम के बाद में 9 के बाद कैरी आता है। सेम सिचुएशन बाइनरी नंबर में, ओनली 1 होता है मैक्सिमम, तो 1 के बाद ही कैरी आएगा। एक बार रिपीट करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में 9 के बाद जब तक नंबर 9 तक रहता है कैरी नहीं आता, जैसे 4 + 5 9 कैरी नहीं। जैसे ही इससे ज़्यादा आएगा, जैसे 4 + 7 कितना हो गया, ये 11, तो ये 1 नंबर हो गया, 1 कैरी। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर कितना होता है, 1, तो इसलिए यहाँ पर ये आता है कैरी। ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमने 1 + 1 किया तब यहाँ पर आ गया ये 1 0, अगर इसमें +1 और कर दें तभी हो जाएगा 1 1। दैट मीन्स इस तरीके से अगर आ जाए 3 1, तो 1 + 1 1 0 1, तो यहाँ आता है ये 1 1। ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। तो आइए देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल। ऐसा मान लेते हैं ये कोई 1 0 1 0 1 और यहाँ पर 0 1 0, इस तरीके से कोई नंबर है, ऐड करेंगे 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1 1, इस तरीके से। एक और देख लेते हैं, जैसे 0 1 0 1 1, यहाँ पर आ जाएगा 0 1 1 0, 1 + 0 1, 1 + 1 तो 1 0, और यहाँ पर ये 1 कैरी, क्योंकि 1 + 1 कितना होता है, 1 0। अब देखेंगे 1 + 0 1 हो गया, 1 + 1 1 0 1 कैरी। अब यहाँ पर देखेंगे 1 + 1 होता है 1 0, और 1 ऐड कर दिया तब कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 1 और 1 यहाँ पर, इस तरीके से। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसा कि हमें पता है ये हो गया 1 0 0 1 1, यहाँ पर हो जाएगा 0 1 1 1 0, कोई नंबर है 1 + 0 0 sorry 1, 1 + 1 1 0 1 कैरी। अब देखेंगे 1 + 1 कितना हो गया, ये 1 0 1 कैरी, 1 1 1 बन गया, तो कितना होता है ये 1 1 1 यहाँ पर आ जाएगा कैरी, 1 + 0 तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1 और ये 1, इस तरीके से। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी 1 + 1 होता है तब वहाँ पर कैरी आता है, क्योंकि नंबर सिस्टम में मैक्सिमम 2 है। जैसा कि डेसिमल नंबर सिस्टम में मैक्सिमम 9 के बाद कैरी आता है, वैसे ही इसमें 1 के बाद कैरी आता है, बाकी सेम कंडीशन होती है दोनों में ही। इसी को हम कहते हैं बाइनरी नंबर का एडिशन। थैंक यू।